आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वायरलेस माइक के बारे में जो K9 और K8 के नाम से आती है। आप दोनों में से कोई परचेस कर सकते हो। तो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो है K9 से, और ये है मेरे पास बोया का बाई एमोन माइक जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप जरूर नाम सुना होगा। तो इन दोनों का मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किसकी नॉइस की कंसलेशन पावर अच्छी है और कौन आपको अच्छी क्वालिटी दे सकती है, कितना प्राइस से आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों का सेपरेट रिव्यू वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ अपने इस चैनल पर, तो आप देख सकते हो। मैं फिलहाल अभी जो यूज कर रहा हूँ वो है K9 का वायरलेस माइक, ठीक है। तो आपकी इसकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है बता सकते हो। अदरवाइज मैं आपको तीन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको लेना चाहिए कि नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप सुन रहे हो वॉइस, ये है बोया बाय एमोन का वॉइस। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं जो तीन पॉइंट बताने वाला हूँ आप उसको समझना, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है वायर माइक और वायरलेस माइक। तो आपको जरूरत किस चीज़ की है वो पहले देख लो आप। सो अगर से आप वायरलेस माइक लेते हो तो वहाँ पर होता ये है, उसमें चार्ज करना पड़ता है। आपका मोबाइल में टाइप सी है तो ये यूज़ कर सकते हो, टाइप सी में आता है और 3.5 mm जैक में भी आता है, तो आप उस दोनों को देख सकते हो। बट अगर से आप वायरलेस माइक लेते हो तो वहाँ पर होता ये है कि आपको चार्ज करना पड़ता है और उसको आप 3-4 घंटे कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर पाओगे, उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 2 घंटे तक ले सकते हो, चार्ज करने के बाद यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको कंटिन्यूसली चार्ज करना पड़ेगा। बाकी बात करें बोया की जो ये वायर वाली माइक है, तो इसमें आपको चार्ज करने का कोई टेंशन नहीं होता, आप कनेक्ट करो और कंटिन्यू आप वीडियो जितनी घंटे शूट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये इसका पहला तो काउज ये हो गया कि आपको पहले देखना है क्या नीड है। नीड इन द सेंस कि आप बाहर कहीं पर रनिंग वीडियो बना रहे हो या कहीं जाना है आपको, तो वहाँ पर या व्लॉग बना रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका लेस माइक मुझे लगता है अच्छा होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा। वायर माइक जो होती है बहुत ज़्यादा आपके उलझ जाती है, तो अगर से आप उस तरह का वीडियो शूट करते हैं, लाइक अगर से आप व्लॉगिंग करते हो या लाइव वीडियो शूट करते हो, तो उस कंडीशन के लिए आपकी K9 जो माइक है आपकी वो सही होगी। अब बात कर लेते हैं वॉइस कंसलेशन और क्वालिटी पर। तो देखो, नो डाउट कि आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो बोया एमोन माइक का सबसे ज़्यादा है। अभी जो आप सुन रहे हो ये बोया एमोन माइक का है, तो आप देख सकते हो कितनी इसकी लाउड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी वॉइस की। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो नॉइस कंसलेशन या कि नॉइस रिडक्शन है ये बहुत ही कम करता है, ना के बराबर करता है। अभी मैं आपके सामने अगर से फ़ैन ऑन कर दूं तो इसकी जो फ़ैन की आवाज़ है चलने की आपको महसूस होगी, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें K9 की, तो यहाँ पर इसका नॉइस रिडक्शन है बहुत ही शानदार और पावरफुल है। आप बाहर भी चल जाओगे और आउटडोर भी शूट करोगे, वहाँ पर जो फ़ैन होती है उसकी हॉर्न की आवाज़ या चलने की आवाज़ या आसपास की आवाज़ भी वो उसमें कैप्चर नहीं होता, वो नॉइस को रिड्यूस कर देता है। कौन? वायरलेस माइक जो आपकी जो K9 है या K8 जो भी आप लेना चाह रहे हो, उसमें नॉइस कंसलेशन की पावर बहुत ही अच्छी है। तो अगर से आप ऐसा वीडियो शूट करना चाहते हो जिसकी नॉइस ना आए, यानी कि आप बाहर आउटडोर शूट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में जो वायरलेस माइक है आपकी K9 वो बेहतर है। बात करें बोया की, तो बोया भी नो डाउट इसकी भी अच्छी क्वालिटी आती है, नॉइस थोड़ी सी रिड्यूस करती है इसके मुकाबले में। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो K9 वायरलेस माइक। एंड वायर्ड की बात करें, इसमें अगर सब फैन वगैरह या बाहर शूट करोगे तो इसकी हल्की हल्की नॉइस आएगी। बात करें यूज़ की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, कैमरा के लिए, बोया एमोन माइक को। लेकिन वहीं पर बात करें वायरलेस जो माइक है आपकी K9 या K8 जो भी आप लोगे, उसको सिर्फ आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसको टाइप सी में दिया गया है, तो आप जस्ट मोबाइल में इसको प्लग करोगे और इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मोबाइल के लिए ज़्यादा कंपेटेबल है वायरलेस माइक। बोया जो है ये कर सकते हैं ऑलराउंडर है, आप चाहे मोबाइल में कर लो यूज़ या कैमरा में कर लो, लैपटॉप में कर लो, सब में यूज़ कर सकते हो इसको। आईफोन में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आईफोन में मैंने दिखाया तो शुरू में ही उसमें एक अलग से दिया जाता है, तो आप उसको कनेक्ट करके आईफोन में यूज़ कर सकते हो। बोया की बात करें तो बोया को भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी माइक्रोफोन होती है उस। ये थी तीन बातें। और बात करें इसकी प्राइस की, तो देखो प्राइस दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है। बात करें वायरलेस की, तो वायरलेस जो है आपके 600 से लेकर के 650 तक मिल जाएगी, ऑनलाइन आप सर्च कर लेना, देख लेना। अदरवाइज़ मैं इसका लिंक जो है परचेस करने का दे दिया हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। और बोया की बात करें, ये भी आपको तकरीबन 700 रुपये तक मिल जाती है, तो इसका भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो फाइनल कट बात करें, तो अगर से आप यूज़ करना चाहते हो बाहर यानी कि आउटडोर आप शूट करना चाहते हैं वीडियो को या व्लॉगिंग करना चाहते हैं, जहाँ पर आप मूवमेंट हो, चलना चाहते हो जहाँ पर, तो उस कंडीशन में आपका बोया एमोन माइक जो है बेहतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वायर होती है, वायर जो है उलझ जाती है एक में, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो जो वायरलेस माइक है आपके K9 या K8, उसको यूज़ कर सकते हो। और जो नॉइस का रिडक्शन है वो सबसे अच्छी है वायरलेस माइक में K9 K8 में, तो आप नॉइस रिडक्शन चाहते हो तो वो लेना, और नहीं चाहते हो, अगर से आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो, उतना नॉइस अगर से आपके आसपास नहीं है, उस कंडीशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बोया का एमोन जो माइक है आप वो परचेस कर लो।
तो क्लियर कट बात ये है कि अगर से नॉइस कैंसिलेशन पावरफुल चाहिए जो वायरलेस माइक है इसको परचेस कर सकते हो, और अगर से नॉइस कैंसिलेशन आपको ज्यादा नीड नहीं है, ज्यादा शोरगुल नहीं है आपके आसपास, तो आप बोया का परचेस कर सकते हो। तो ये था दोनों में डिफरेंस। और एक बात और भी है कि आप चार्ज करना पड़ता है उसे, हर आप चार्ज करके ही यूज कर सकते हो, और इसमें है कि बगैर चार्ज किए हुए आप यूज कर सकते हो। दोनों में कंपेरिजन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। किसी भी तरह के और भी पॉइंट आपके माइंड में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा दोनों के लिए। तो आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको कौन सी परचेस करनी है ये भी समझ में आ गई हो। दोनों को परचेस करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दोनों का सेपरेट रिव्यू चाहते हो कि किस तरह से ये काम करती है, इसका सिंपल वीडियो चाहते हो, तो उसका भी मैंने दे दिया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो दोनों को। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।